आज हम बनाएंगे सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी मिल्क शेक, वो भी 6 अलग अलग फ्लेवर में। और इन्हें बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट इन्हें बनाना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। तो आइए देखते हैं हमारी आज की नई रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम एक बाउल में ले लेंगे सब्जा सीड्स, इन्हें तुकमरिया सीड्स भी बोलते हैं। मैं 2 टेबलस्पून जितने सब्जा सीड्स ले रही हूँ। इसमें आधी गिलास इतना पानी डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे साइड में रख देंगे हम। और सबसे पहले हम बनाएंगे मैंगो मिल्क शेक, और उसके लिए मैंने 1 मैंगो को छील के कट करके ले लिया है। साथ ही मैं इसके अंदर मिलाएंगे 1.5 कप जितना ठंडा दूध, और 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर डाल दिया है मैंने, और अच्छे से इसे ब्लेंड कर देंगे हम। तो तैयार है हमारा मिल्क शेक, इसे एक ग्लास में सर्व कर लेंगे। 3-4 आइस क्यूब डाल दें और 1 टेबलस्पून सब्जा सीड्स ऐड कर दें इसमें। फिर इसमें मैंगो मिल्क शेक डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए 1 स्कूप में डाल रही हूँ वनीला आइसक्रीम, और गार्निशिंग के लिए थोड़े से सब्जा सीड्स और मैंगो के पीसेस। तो तैयार है हमारा मैंगो मिल्क शेक। नेक्स्ट हम बनाएंगे वाटरमेलन मिल्क शेक। उसके लिए वाटरमेलन का जूस बना लिया है और इसे अच्छे से छान लिया है, और इसे 1/2 कप जितना ग्लास में ऐड कर दूंगी मैं। और साथ ही हम इसमें 1 कप से थोड़ा कम मिल्क ऐड कर देंगे। ठंडा मिल्क ही इस्तेमाल करना है हमें। 2 आइस क्यूब डाल दूंगी और 1 टेबलस्पून सब्जा सीड्स डाल देंगे। साथ ही 2 चम्मच पीसी हुई चीनी मिला लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक चीनी डिजॉल्व ना हो जाए। और 1 स्कूप वेनिला आइसक्रीम डाल देंगे। आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और गार्निशिंग के लिए थोड़े से वाटरमेलन के बारीक कटे हुए पीसेस। तो तैयार है माउथ वाटरिंग मिल्क शेक। नेक्स्ट हम बनाएंगे बनाना मिल्क शेक। इसके लिए एक बनाना ले लेंगे हम इस तरह से कट करके, और साथ ही 1.5 कप मिल्क डाल देंगे एकदम ठंडा वाला। और उसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए 10 काजू ले लूंगी मैं, और उसके साथ ही 2 चम्मच पिसी हुई चीनी मिला लेंगे और 1 स्कूप वेनिला आइसक्रीम ऐड कर देंगे, और सभी को ब्लेंड कर देंगे अच्छे से, और फिर उसे ग्लास में सर्व कर लेंगे। जिसके लिए सबसे पहले हम डालेंगे सुपर हेल्दी 2 टेबलस्पून सब्जा सीड्स, और इसके साथ ही हम मिला लेंगे तैयार किया हुआ बनाना मिल्क शेक, और इसे अच्छे से मिला लेंगे हम। और इसमें 1 स्कूप वेनिला आइसक्रीम भी ऐड कर देंगे हम। ग्लास थोड़ा सा खाली रह गया तो थोड़ा सा और मिल्क शेक ऐड कर दूंगी मैं इसमें, और गार्निशिंग के लिए थोड़े से सब्जा सीड्स और डाल दूंगी मैं इसमें, और थोड़े से ड्राई नट्स डाल देंगे। तो तैयार है हमारा सुपर हेल्दी और टेस्टी बनाना मिल्क शेक। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे बटर स्कॉच मिल्क शेक। जिसके लिए मैंने 3 चम्मच जितना बटर स्कॉच क्रंच ले लिया है। इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं हम। चीनी को मेल्ट करके उसमें बटर और नट्स ऐड करने हैं। साथ ही 1.5 कप जितना ठंडा दूध इसमें ऐड कर देंगे, और 2 चम्मच जितनी पिसी हुई चीनी मिला लेंगे। और इसके बढ़िया फ्लेवर के लिए 7 से 8 बादाम डाल दिए हैं मैंने इसमें, और 2 बूंद जितना इसमें फूड कलर ऐड कर दूंगी, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। साथ ही 1 स्कूप वेनिला आइसक्रीम मिला देंगे और इन्हें अच्छे से ब्लेंड कर देंगे हम। इसे ग्लास में सर्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें 2 टेबलस्पून जितने सब्जा सीड्स ऐड कर लेंगे, और फिर इसमें बटर स्कॉच मिल्क शेक मिला लेंगे, और 1 स्कूप हम वेनिला आइसक्रीम डाल देंगे, और इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हम डाल देंगे कैरेमल क्रंच। तो तैयार है हमारा बटर स्कॉच मिल्क शेक। तो चलिए अब बनाते हैं हमारा नेक्स्ट चॉकलेट मिल्क शेक, जो बच्चों का सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इसके लिए सबसे पहले हम मिला देंगे 1.5 कप ठंडा दूध, और इसके साथ ही हम 1.5 चम्मच जितना कोको पाउडर ऐड कर देंगे इसमें, और 10 रुपये वाली एक डेरी मिल्क मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो अवेलेबल है वो चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही 10 रुपये का जो चॉकोस का पैकेट आता है ना, चॉको फ्लैक्स, वही इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे ये मिल्क शेक बहुत टेस्टी बनेगा। साथ ही 2 चम्मच पीसी हुई चीनी मिला लेंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे,
ब्लेंड करने के बाद इसे सर्व कर देंगे एक ग्लास में। और इसके साथ ही मैं इसके ऊपर 1 स्कूप ओरियो आइसक्रीम डाल रही हूँ। आपके पास जो आइसक्रीम अवेलेबल हो आप मिला लें इसमें, और अगर नहीं है आइसक्रीम तो स्किप भी कर सकते हैं, ये वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है। और साथ ही गार्निशिंग के लिए मैं इस पर जैम्स लगा लूँगी, बच्चों को जैम्स बहुत पसंद आती है इसलिए। एकदम डार्क चॉकलेटी कलर आया है इसका। तो चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं हमारा रोज़ मिल्क शेक। इसे बनाना सबसे ज़्यादा आसान है। तो एक ग्लास में मैं 3 टेबलस्पून जितना रोज़ सिरप मिला लूँगी, मार्केट में इजीली मिल जाता है ये। साथ ही हम 2 टेबलस्पून सब्जा सीड्स मिला लेंगे इसमें, और फिर 2 चम्मच हम पिसी हुई चीनी मिला लेंगे इसमें, और लास्ट में हम इसमें मिला लेंगे 1.5 कप जितना ठंडा दूध। सब्जा सीड्स खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए मैंने सारे ही मिल्क शेक में इसे मिलाया है, और गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो आप भी इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। मिल्क शेक अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम डाल देंगे, और इसे सुंदर बनाने के लिए मैं इस पर रोज़ सिरप ऐड कर दूँगी, और थोड़ी सी गुलाब की सूखी पत्तियाँ इस पर गार्निश कर लेंगे हम। तो तैयार है हमारा रोज़ मिल्क शेक। ये सारे ही मिल्क शेक जितने ज़्यादा चिल्ड होते हैं उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो सारे ही मिल्क शेक हमारे ज़बरदस्त टेस्टी है और हेल्दी भी है, तो गर्मियों में आप भी ज़रूर बनाइए इन्हें, पीजिए और रिफ्रेश हो जाइए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगे ये मिल्क शेक।